जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 10 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। डियर स्टूडेंट, आई कंटिन्यू चैप्टर नंबर 10 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। माई सेल्फ वैश्वपाध्याय फ्रॉम स्वामीनारायण गुरुकुल खंडवा। आई वेलकम टू यू ऑल ऑफ इन माई लेक्चर। The student, in our previous lecture, we have already discussed here about the organs and president, prime minister, executive bodies of this central. And today, and even also we have discussed about the governor. Today I am going to discuss about the chief minister and council of minister in state level. And a state. आज जो हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं वो है स्टेट्स की, है ना। स्टेट्स के अंदर एग्जीक्यूटिव जो पार्ट है क्या क्या होते हैं, तो जैसे हमने पिछले हमारी कक्षा के अंदर इन अवर लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द गवर्नर। गवर्नर के बाद में जो स्टेट्स की बात आती है जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, चीफ मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो अब यहाँ गवर्नर के बारे में हमने अंतिम में पढ़ लिया था, अब हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर। जस्ट थिंक इन सेंट्रल, सेंटर में जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर्स का कंट्रोलिंग होता है या पावर होते हैं, लाइक दैट इन द स्टेट देयर इज अ सीएम। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तो पहली बात आती है चीफ मिनिस्टर किसके द्वारा अपॉइंट होता है, तो कौन अपॉइंट करता है, तो गवर्नर अपॉइंटेड, सॉरी गवर्नर अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर। द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अब जो पार्टी मेजोरिटी में आई है उस पार्टी के उसके पार्टी के मेंबर्स को अपॉइंट करता है। इफ़ नो सिंगल पार्टी गेट्स द मेजोरिटी, यदि एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली होती है, द लीडर ऑफ द कॉम्बाइन पार्टीज कंसर्न कॉन्स्टिट्यूटिंग द मेजोरिटी ऑफ द लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी हैविंग सपोर्ट टू द मेजोरिटी इज अपॉइंटेड बाय चीफ मिनिस्टर। मान लो कभी बार आपको जैसा 50% प्लस वन, ठीक है ना, 50% प्लस वन इट मस्ट, मतलब ये मेजोरिटी होती है। अब ये मेजोरिटी अगर उससे कम मेजोरिटी प्राप्त हुई है किसी एक पार्टी को, तो दे कैन कोलिएश विद अदर पार्टी, किसी और पार्टी के साथ ज्वाइन होकर के गवर्नमेंट बना सकते हैं। बट गवर्नर किसको पहले अपॉइंट, पहले किसको प्रायोरिटीज देता है, जो पार्टी बड़ी पार्टी के रूप में, मान लो वो पार्टी मना कर दे तो इसी कंडीशंस के अंदर है, या वो अनेबल हो, या इस तरह की स्थिति प्रोड्यूस हो रही है कि जिससे सरकार नहीं बन पा रही है, तो इन दैट कंडीशन मेजोरिटी जो दो तीन पार्टी मिलकर के कहें, तो गवर्नर को ही हैज़ टू वर्क एज अकॉर्डिंग टू दैट। तो अवर मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑल्सो अपॉइंटेड द गवर्नर एंड एडवाइज द चीफ मिनिस्टर। तो पहली बात तो कौन होता है चीफ मिनिस्टर, बाद में आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि जो पार्टी विजेता होती है उसका जो भी उस पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनके हेड जो हैं बना करके जिसे भेजते हैं उसे अपॉइंट करता है गवर्नर। मान लो दो एक पार्टी को अगर मेजोरिटी नहीं मिली है तो कोलिएशन गवर्नमेंट भी बनाई जा सकती है उनके अपने हिसाब से। फिर ये देखिए चीफ मिनिस्टर स्टेट्स की पॉलिसीज को बनाता है, इसके बाद में कैबिनेट मिनिस्टर्स, है ना। वैसे तो गवर्नर अपॉइंट करता है बट है ना होल वर्क इज अंडर कंट्रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर बनाता है, मतलब मेन वर्क तो चीफ मिनिस्टर नाम मात्र गवर्नर का आता है। तो हियर गवर्नर अपॉइंटेड द अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द
चीफ मिनिस्टर एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट इज कैरिड आउट द नेम ऑफ द गवर्नर, जिसे हमने प्रेसिडेंट के अंदर पढ़ा था कि नाम प्रेसिडेंट का आता है, किसके नाम पर सरकार चलाई जाती है, प्रेसिडेंट के नाम पर, लेकिन रियल पावर इज अंडर ऑफ कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो उसी तरह स्टेट के अंदर क्या है, स्टेट के अंदर गवर्नर के नाम से गवर्नमेंट चलती है, बट रियल पावर इज अंडर ऑफ कैबिनेट, है ना, हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंजॉय द मोस्ट पावर ऑफ गवर्नर, गवर्नर के मोस्ट पावर का यूज करते हैं। इन गुजरात ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर इज सिचुएटेड इन न्यू सेक्रेटरिएट गांधी श्यामरीन शुक्ल गांधी संकुल गांधी नगर, गांधी नगर में स्थित है हमारे यहाँ की जो विधानसभा है। चीफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर इज सिचुएटेड इन द न्यू सेक्रेटरिएट स्वार्मीन संकुल गांधीनगर के अंदर रहते हैं। द गवर्नर एडमिनिस्ट्रेट ऑफ द सीक्रेसी ऑफ द चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर को ओथ दिलाने का काम गवर्नर करता है। एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओरली देयर आर साइन टू सेम द स्टेट कैबिनेट आर देयर फोर टाइप ऑफ मिनिस्टर। देखो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर चार तरह के मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट, स्टेट लेवल, डिप्टी लेवल एंड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। द चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द पोर्टफोलियोज, है ना, जो भी कार्य है जिनको वो सीएम डिस्ट्रीब्यूट करता है पोर्टफोलियोज। कैबिनेट मिनिस्टर्स ही ऑल्सो प्रेजेंट द इशूज टू मेकिंग द ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन को बनाने का प्रयत्न करता है, क्वेश्चन ऑफ पीपल, क्वेश्चन जो पीपल है उनके हल करता है लोगों के। इसके बाद में ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द कैलेमिटी प्रोवाइड्स द बेसिक कम्युनिटीज लव केयर ऑफ द पीपल, मतलब स्टेट के डेवलपमेंट के लिए पूर्णतः पॉलिसी का निर्माण चीफ मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। ही प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टू स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है, चीफ मिनिस्टर इज टॉर्च बियर द पार्ट फाइंडर ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ द स्टेट। देखो चीफ मिनिस्टर इज द मेन हेड जिसको बोल सकते हैं, और उसका एक ही कार्य होता है स्टेट को अच्छे से अच्छे डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करा, और टॉर्च बियरर कहा गया इसको, टॉर्च बियर मशाल का, उसकी जो पॉलिसीज हैं वो स्टेट्स को आगे ले जाती हैं। अब नाउ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव फ्रेम्स वेरियस पॉलिसीज इन डिफरेंट फील्ड। अब देखो यहाँ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है ना सर, गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स आपको बताए थे, एग्जीक्यूटिव बॉडी, असेंबली, एग्जीक्यूटिव बॉडी और इसके बाद में जुडिशरी। तो अब एग्जीक्यूटिव बॉडीज के अंदर कौन आता है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, रियल पावर है वो इनके हाथों में। अब ये लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव फ्रेम्स जो है, जो बॉडी है, पॉलिसीज इन डिफरेंट फील्ड, अलग अलग फील्ड के अंदर पॉलिसीज बनाते हैं। अब कौन कौन से फील्ड होते हैं, जैसे एजुकेशन फील्ड है, एग्रीकल्चर फील्ड है, इंडस्ट्रियल फील्ड्स हैं एंड मेनी अदर्स, है ना, कई बहुत सारे से फील्ड हैं। द डिटेल एंड इफिशियंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसीज डन बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव एडवाइज एंड गाइड द स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वे सब उसको गाइडलाइन गाइड करते हैं इन द मैटर ऑफ पॉलिसीज, इस मामलों की पॉलिसीज के अंदर, पॉलिसीज बनाने में जो एग्जीक्यूटर्स होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटर हैं, वो इनको एडवाइस देते हैं। इट प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड फिगर, ये दो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन और फिगर भी प्रोवाइड करते हैं। हाउएवर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज नॉट बाउंड द फॉलो द एडवाइस, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव बॉडी उनके नियमों को माने ये उस संभव नहीं, मतलब ये बात फिक्स नहीं है, मतलब दे कैन नॉट बाउंड, उनको बाउंड नहीं कर सकते। नो मैटर हाउ इम्पोर्टेंट एंड वेलफेयर ओरिएंटेड आर पॉलिसीज लो, इफ दे आर नॉट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव देन इट पर्पज इज मार्ड। कितनी भी पॉलिसीज अच्छी बना रहे हैं,
ठीक है, कितनी भी जो पॉलिसीज हैं वो क्या हो, अच्छी बना दिए, इंपॉर्टेंट हो, ओरिएंटेड आर पॉलिसीज, इंपॉर्टेंट ओरिएंटेड आर पॉलिसीज कितनी भी हो, लेकिन उसको सही रूप से नहीं चलाई जाए, इफेक्टिव इंप्लीमेंट नहीं हो बाय एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, देन इट्स पर्पज इज नॉट, कभी उसका पर्पज सही नहीं हो पाता है, बेकार हो जाता है। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रोवाइड द नेसेसरी बैकअप, इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो क्या करता है, एक नेसेसरी बैकअप करता है एग्जीक्यूटिव को फॉर्मुलेशन टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज, पॉलिसीज को बनाने में और उसको इम्प्लीमेंट कराने में। एक्सपर्ट प्रोफेशनली इफिशियंट एंड एक्सपीरियंस पब्लिक सर्वेंट इन द फील्ड ऑफ फॉरेन रिलेशन, अब देखो किस किस के फील्ड के अंदर यहाँ पे होता है, प्रोफेशनली इफिशियंट एक्सपीरियंस पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं जिसके अंदर वर्कर्स होते हैं, फील्ड ऑफ फॉरेन रिलेशन, डिफेंस, सिक्योरिटी, फोर्सेस, इंटरनेशनल ट्रेड, कॉमर्स, न्यूक्लियर एनर्जी, इसके बाद में एनर्जी प्रोडक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फॉरेन एक्सचेंज आर द बैकबोन ऑफ द गवर्नमेंट, ये सभी बैकबोन है हमारी गवर्नमेंट के लिए। कलेक्टर इज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटिव एड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, देखो एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है तो उसके हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कलेक्टर, और ये जो कलेक्टर्स होता है वो क्या करता है ध्यान दें, तो देखो कलेक्टर इज अपॉइंटेड एज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, इट्स ऑफिस इन जिला सेवा सदन, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे होता है। और देयर एक्सपर्टाइज नॉलेज, अब उनका जो नॉलेज, एडमिनिस्ट्रेटिव इनसाइट, ब्रॉड एक्सपीरियंस एंड प्रिडिक्शन एडमिनिस्ट्रेशन इफिशियंटली हेल्प देम टू कैरी आउट द एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवली, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव को इफेक्टिव चलाने के लिए यहाँ जो जरूरत है वो उसका एक्सपीरियंस, उसका प्रैक्टिकल वर्क, उसकी इफिशियंसी, उसकी स्किल। द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव एक्ट द ब्रेन बिहाइंड द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये एग्जीक्यूटिव क्या है उसका ब्रेन वर्क करता है, मतलब उनके दिमागों के द्वारा बनाई हुई वो पॉलिसीज। Where the administrative executive is like a limbs and amiable relation between political executive and administrative executive is the prerequisite for the smooth governance of the state. अब यहाँ बराबर से वापस एक बार ध्यान देना कि ये जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडीज है और इसके बाद में जो एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का मतलब आप लोग देखें जो सरकार के अंदर बड़े बड़े अधिकारी हैं, अगर आपको अच्छी तरह से बात समझ में नहीं आ रही, बड़े बड़े जो अधिकारी वगैरह जो होते हैं है ना, कलेक्टर्स है और इसके नीचे डिप्टी कलेक्टर वगैरह एक्सेट्रा, दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, और इन दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि ये पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी को रन करना जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में होता है। जैसे अभी आपको एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात है, ही इज द हेड ऑफ द होल डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, अब नाउ हाउ इट इंप्लीमेंट, उसको कैसे इंप्लीमेंट करता है, हाउ इट्स रन्स, उसको कैसे लागू करता है, इट्स भी डिपेंड ऑन इट्स स्किल, उसकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, उसके प्रैक्टिकल, उसके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ जो कोऑर्डिनेशन इज मस्ट इन बोथ, यहाँ जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव बॉडीज, दोनों के अंदर सामंजस्य होना चाहिए, तभी ये बेस्ट इंप्लीमेंट हो सकती है। और इसलिए यहाँ का द एमिकेबल रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव इज द प्री रिक्वेस्टिक फॉर स्मूथ गवर्नेंस, स्मूथ गवर्नेंस ऑफ स्टेट्स के लिए हमें एग्जीक्यूटिव बॉडीज, जो लीडर्स पॉलिटिकल बॉडी है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर बेटर रिलेशन या कोऑर्डिनेशन या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और यही आगे उन पॉलिसी को रन करने में और बेटर डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। द पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट इज बिकमिंग मोर सेंटर्ड इन द ब्यूरोक्रेसी, नेपोटिज्म, करप्शन, डिसऑनेस्टी, इनइफिशियंस, मिसकंडक्ट, एस्केपिज्म आर द इविल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। देखो पावर ऑफ इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट का जो है वो इस पर है ब्यूरोक्रेसी के। अब ब्यूरोक्रेसी के अंदर क्या नेपोटिज्म है, करप्शन है, डिसऑनेस्टी है, इनसफिशियंसी, मिसकंडक्ट, एस्केपिज्म, बचाव के लिए एविल ब्यूरोक्रेसी के पार्ट है, एंड सो द कंट्रोल सच
एविल लोकपाल एंड लोकायत इज नीडेड, इसके लिए हमें लोकपाल और लोकायत की जरूरत है। टू स्टॉप द करप्शन गुजरात स्टेट गवर्नमेंट, गुजरात के अंदर करप्शन को रोकने के लिए हैज स्टार्टेड एन एंटायर सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया है, नेम ऑफ एंटी करप्शन ब्यूरो, जिसका नाम रखा गया है एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम से। और उसके लिए आपका जो नंबर है 1800233444444 पीपल, वापस से देख लेना 1800233444444 पीपल कैन नॉट कॉन्टेक्ट द नंबर टू फाइल देयर कंप्लेंट्स। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, देखो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज मस्ट बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हर स्टेट्स के अंदर या हमारे कंट्री की अगर हम बात करें तो एक स्टेबिलिटी आवश्यक है, विदाउट स्टेबिलिटी वी कैन नॉट बी डू बेटर हियर, तभी हम लोग एक बेटर गवर्नेंस और बेटर स्कीम्स बेटर सिस्टम पॉलिसीज को पा सकते हैं। अब आता है गवर्नेंस एट द लोकल लेवल, है ना। अब देखो लोकल लेवल की बात हमने पहले भी आपको बहुत ही जरूरी है, देखिए आपके जो गवर्निंग लोकल लेवल की बात, लोकल लेवल के ऊपर अगर हम लोग हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो हमें नहीं पहुंच पाता हर व्यक्ति, तो हमारे गवर्नमेंट ने उसके लिए लोकल मतलब लोकल गवर्नमेंट हो, लोकल एरिया के लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि ही नोज द बेटर देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन, वो उसका सॉल्यूशन भी वो जानते हैं और उसके प्रॉब्लम्स को भी जानते हैं, इसलिए यहाँ एक लोकल लेवल की गवर्नमेंट को भी ऑर्गेनाइज किया गया है ना। तीन तरह की गवर्नमेंट होती है, ध्यान देना एक बार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इट इज़ द एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कैरी आउट द गवर्नेंस ऑफ द एंटायर नेशन, ये बहुत कठिन हो जाता है एक जगह से शासन किया जाए, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कैरी आउट द गवर्नेंस ऑफ द एंटायर नेशन फ्रॉम ए सिंगल प्लेस, एक प्लेस से पूरे देश के अंदर गवर्नेंस किया जाए यह बहुत ही कठिन होता है इन सेंट्रल सो मैनी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, फॉरेन से होती है, डिफेंस की होती है और भी बहुत सारी कंट्री से रिलेटेड। The power of decentralized with the objective to timely solve the various problem. अब देखो अलग अलग तरह की समस्याओं के लिए, जैसे हमारी हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि तीन तरह की गवर्नमेंट को, दो तरह के पावर को हमने स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में सब्जेक्ट्स बांध सके हैं। तो कहने के बाद वेरियस प्रॉब्लम्स नीड्स एक्सपेक्टेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों की अलग अलग तरीके से मांगे होती हैं, उनका एस्पिरेशन होते हैं। बाई डिसेंट्रलाइज द पावर, पावर को जब डिसेंट्रलाइज किया द एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी कैरीड आउट इजिली एंड इफिशियंटली, जिससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट क्या होगा, इजीली और इफिशियंटली हम उस वर्क को कर सकते हैं। एट द लोकल लेवल इंस्टीट्यूशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैव इमर्ज, अब देखो यहाँ पर आप लोग देखेंगे सीधा साफ, देखो यहाँ पर लोकल लेवल के ऊपर हमने पंचायती राज, तीन तरह की गवर्नमेंट, विलेज, तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एक बार बराबर से ध्यान रखना, अभी तक बात आपको समझ में नहीं आई होती कि एक जगह पर बैठ कर या एक जगह से एक बेटर गवर्नेंस करना बहुत कठिन है, इट इज़ वेरी टफ, है ना, क्योंकि देखो यहाँ सरकारों की कई तरह की जिम्मेदारियाँ होती हैं, इन जिम्मेदारियों के लिए बेटर यह है कि हम हमारी इस पावर को सेंट्रलाइज ना करके डिसेंट्रलाइज करें, उन भागों में विभक्त कर दें। अब कैसे विभक्त करेंगे, देखिए हमने हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, तो वो पूरे इंडिया से रिलेटेड पूरे कंट्री के जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं उनको सॉल्व करें, फिर हमने दूसरा जो बांटा है वो स्टेट की प्रॉब्लम्स, इसलिए देखो यहाँ हमारे यहाँ हमारी जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमारी भाषाएं इतनी हैं, हर प्लांट की अलग अलग तरह की समस्याएं, इसलिए अगर ये बड़े स्तर पर सेंट्रल गवर्नमेंट इसका ध्यान रखती है पूरे कंट्री की, स्टेट अपने स्टेट लेवल की बात रखता है, लेकिन उससे नीचे हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, एक विलेज तक के लिए, देखो अगर हम लोग एक बेटर डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, छोटे से छोटा गांव में भी अपनी अपनी खुद की सरकार, अब स्टेट में भी थी, स्टेट की थी बहुत सारी
प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे मुद्दे होते हैं, जो उच्चतर के मुद्दे हैं वो स्टेट अपने पास रखती है और लोकल लेवल के बाद लोकल गवर्नमेंट को लगती है, जिसमें हम पंचायती राज कहते हैं, लोकल ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और तीसरी जो है वह है हमारे डिस्ट्रिक्ट पंचायत के रूप में। अब यहाँ ये है क्योंकि देखो हमारे कंट्रीज़ के अंदर सबसे बड़ी समस्या है वो हमारी ज्योग्राफिकली, रिलीजन, रीजनल, अलग अलग पार्ट पे अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, अलग अलग तरह के हैं, इसलिए बेटर वर्क कर सकता है वो वहाँ का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ शहरों के अंदर देखें, अर्बन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोकल सेल्फ म्यूनसिपल्टी एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वर्क करते हैं, ठीक है। म्यूनसिपल्टी सिटीज़ को भी क्या कर दिया, सिटी की अपनी ऑन गवर्नमेंट, सिटी को हमने डिवाइड कर रखा है ना, म्यूनसिपल्टी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हमने वार्ड में डिवाइड कर रखा है, और ये वार्ड जो हैं ये वार्ड क्या करते हैं, अपने अपने वार्ड की जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं दे सॉल्व दे आर, इसलिए स्टेट का तक ये पहुँचे नहीं ना, तो स्टेट अपने लेवल के जो वर्क को आराम से कर सकता है। इसी तरीके से यहाँ ठीक है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दिया गया, इसमें दो तरह की हैं, अर्बन और विलेज रूरल, ठीक है, अर्बन शहर के अंदर और रूरल। अब इसके अंदर भी यहाँ म्यूनसिपल्टी एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है ना, एज द अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन के बेसिस पर। अब ये इस तरह हमने हमारा ये पूरा गवर्नमेंट हमने डिसेंट्रलाइज किया है ना, इस पावर को हमने कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज, और डिसेंट्रलाइज करने से एक बेटर गवर्नेंस हो सकता है और हमारी जो भी समस्याएं हैं वो जल्दी से जल्दी एंड हो सकती हैं। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ी वैल्यूबल है, और ये जो इंस्टीट्यूशन है लोकल सेल्फ गिव द ट्रेनिंग विच इज़ अवेलेबल फॉर इलेक्शन, वोटिंग ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, ये सब चीज़ें देखो लोकल लेवल पर सिखाते हैं और आगे जा कर के बढ़ करके ऊपर लेवल देते हैं। तो 1999 के अंदर पंचायत राज अर्बन इंस्टीट्यूशन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस कब आया अस्तित्व में, 1992 में। अब हम वापस से यहाँ पे थ्री टायर ऑफ द गवर्नमेंट की बात करें तो देखिए ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर का थ्री टायर जो गवर्नमेंट है उसमें ध्यान दें, पंचायत, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत। अब यह इस लेवल के अंदर आप लोग देखेंगे कि हर डिपार्टमेंट का अपना अपना वर्क दे रखा है, सो अकॉर्डिंग टू दैट ये हमारे एक बेटर इफिशियंसिस के लिए किया हुआ एक सिस्टम्स है। तो सबसे पहले देखो हम अगर ना बात करें तो यहाँ क्या है, ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम। अब इसके अंदर भी दो बॉडीज हैं, अब ग्राम पंचायत में भी दो बॉडीज हैं, एक तो पॉलिटिकल और दूसरी है एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, हर क्षेत्र में इस तरह है, पॉलिटिकल बॉडीज भी हैं और इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, यहाँ पे भी इनका कोऑर्डिनेशन की जरूरत रहती है। तो अब यहाँ सबसे फर्स्ट देखिए लोग, हम लोग अगर यहाँ देखें तो देखिए यहाँ ऑल द लेवल ऑफ पंचायत राज इन ऑर्डर टू लोकल डेवलपमेंट टास्क, ये सभी लोकल डेवलपमेंट के लिए वर्क करती है, स्कीम्स एंड वेलफेयर ओरिएंटेड प्रोग्राम। इस सरकार का जो है ये जो पॉलिटिकल बॉडीज है इनका जो है पॉलिसीज प्रिपेयर करते हैं फॉर ग्राम लोकल लेवल के, ठीक है, और वही पॉलिसीज प्रिपेयर करते हैं, वहीं के लोकल लोग होते हैं और यही लोग समाधान अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था इंडिया इज़ ए वेरी वास्ट कंट्री, और वास्ट कंट्री के अतिरिक्त यहाँ सबसे बड़ी है हमारी ज्योग्राफिकली सिचुएशन, हर जगह की अलग अलग है। थोड़ा कस्टम्स की बात भी करें उसके अंदर आ जाती हैं, सोशल की बात करें तो देखिए हर एरियाज़ की जो प्रॉब्लम है वो अलग अलग तरीके की है, वे हैव ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम्स, इसलिए हमें ये तीसरे प्रकार की गवर्नमेंट बनाने का और ज़रूरत पड़ी और डिसेंट्रलाइज हुआ। अब ये जो लोकल लोग हैं वहीं की वो गवर्नमेंट बनती है और वो लोग ही वहाँ की पॉलिसीज को प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि दे नो बेटर देन द पर्सन हु आर सिटिंग इन द सेंट्रल और स्टेट,
वो सेंट्रल में जो मिनिस्टर्स वगैरह बने हैं उनसे बेटर लोग ये, इनको जानकारी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो देखिए लोकल टास्क के लिए स्कीम वर्क करते हैं लोग, देर इज ए चीफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफ वेरियस चेयरमैन। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पंचायत के अंदर चीफ होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट पंचायत वेर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होता है DDO। ठीक है, इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है DDO होता है जो मेन ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। फिर यहाँ अगर तालुका पंचायत की बात करें तो प्रेसिडेंट, पॉलिटिकल बॉडीज के अंदर प्रेसिडेंट होता है, और TDO एग्जीक्यूटिव बॉडीज के रूप में होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में होता है। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ गांव के अंदर हम लोग देखें तो सरपंच, ठीक है, गांव के अंदर यहाँ सरपंच होता है, और यहाँ पे आपका सचिव जो होता है ना, सेक्रेटरी होता है तलाटी कम मिनिस्टर, वो आपका यहाँ एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन के रूप में होता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ एक बहुत बड़ा हमारा यहाँ एक मस्त सा पेज नंबर 81 के ऊपर आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर यह पूरा एक फिगर बना हुआ है। इस फिगर को आप देख करके देख सकते हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर देखिए सेंट्रल, स्टेट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, लोकल इंस्टीट्यूशन, रूरल और अर्बन, इसमें भी कौन कौन से पार्ट हैं, ये पेज नंबर 81 के ऊपर आप लोग देखेंगे और इसे बना करके तैयार करेंगे। अब नाउ नेक्स्ट में आगे का जो पार्ट है वो है हमारा अर्बन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। अब जस्ट लाइक एन विलेज, विलेज के अंदर हमने ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ी थी जिसके अंदर आपको ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत है ना, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब अर्बन लेवल के ऊपर की बात करें हम लोग, या अर्बन के ऊपर दो तरह से, दो से तीन तरह की, या दो तरह की गवर्नमेंट बनाई जाती है, दो तरह की गवर्नमेंट का अलग अलग क्षेत्र में एज द बेस ऑन द पॉपुलेशन के बेस के ऊपर इसको डिवीजन किया गया है। और उसमें से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ जो अमेंडमेंट है वो 74 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग है, कॉन्स्टिट्यूशन के 74 अमेंडमेंट्स के अकॉर्डिंग है। यहाँ की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब म्युनिसिपैलिटी एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो बराबर से ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 74, ठीक है, यूनियन इंस्टीट्यूशन हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे हैं यूनियन अर्बन इंस्टीट्यूशन के बारे में। ठीक है, वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट ये जो लोकल लेवल है वो अर्बन का। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और वो है आपका अर्बन, अर्बन मतलब सिटी, ठीक है। अब इसके अंदर भी म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अब म्युनिसिपैलिटी एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर अब यहां पर भी आप लोग देखेंगे एक तो पॉलिटिकल बॉडीज होती है, ठीक है, पॉलिटिकल बॉडीज, और दूसरी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। देखो हर लेवल पर आपने सेंट्रल लेवल पढ़ा, स्टेट लेवल या रूरल लेवल, लोकल सेवल गवर्नमेंट के अंदर, अब हम पढ़ रहे हैं अर्बन, हर जगह दोनों प्रकार की बॉडीज होती हैं, एवरीवेयर वी हैव बोथ टाइप ऑफ द बॉडीज। अब ये बोथ बॉडीज कोऑर्डिनेशन से बेटर चला सकती है, सब दोनों के बीच में सामंजस्य होना बहुत ही जरूरी है उनकी पॉलिसीज के अंदर। तो देखिए यहाँ एट द फर्स्ट लेवल देयर इज ए म्युनिसिपैलिटी, अब हम लोकल सेवल गवर्नमेंट अर्बन की बात करें उसमें म्युनिसिपैलिटी पहला नंबर आता है, इन द सेकंड लेवल देयर इज ए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। थर्ड लेवल देर इज ए महानगर,
बट अगर तीसरा लेवल और बनाए तो यहाँ महानगर पालिका आया, मेगा सिटी निगम, ठीक है, मेगा सिटी निगम, महानगर मेगा सिटी निगम, और इन द विंग ऑफ अर्बन इंस्टीट्यूशन सेल्फ गवर्नमेंट मेयर इज इलेक्टेड फ्रॉम मेजोरिटी ऑफ विंग्स। अब देखो यहाँ म्यूनसिपलिटी में पॉलिटिकल पार्टी के अंदर प्रेसिडेंट होता है और यहाँ मेयर। अब एक मेयर कौन होता है, किस तरह होता है, तो देखो एक सिटीज हैज बीन डिवाइड, सिटी को अलग अलग पार्ट में, जैसे हम लोग विधानसभा और लोकसभा के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पूरे कंट्री को डिवाइड किया, स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, इसी प्रकार एक सिटी के लिए दोनों के अंदर इसी तरह डिवीजन करेंगे, वार्ड बनाएंगे, जिसको वार्ड बना बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द वार्ड। ये लोकल सेल्फ की कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बोलते हैं, सीट भी बोलती हूँ, और ईच पर्सन यहाँ पे एक एक मेंबर इलेक्ट होके जाएगा, द पीपल ऑफ दैट एरिया, जो एरिया के पीपल होंगे वो उसको इलेक्ट करेंगे, इनमें से प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है और वहाँ पर मेयर, ठीक है। इन विंग्स के अंदर अपार्ट दिस चेयरमैन ऑफ द वेरियस कमिटी, और इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पे चेयर पर्सन होते हैं, चेयरमैन होते हैं अलग अलग कमिटीज, कॉरपोरेटर्स होते हैं पर वेरियस वर्ड के अकॉर्डिंग कॉरपोरेटर्स होते हैं। वर्ल्ड व्यूज रिजर्वेशन फॉर वुमन, वहाँ पे कुछ जगह पर वुमेंस के लिए रिजर्वेशन होता है, रिजर्व फॉर कास्ट है ना, अलग अलग कास्ट के लिए भी मेंटेन करने के लिए होता है, इन वेरियस कमिटीज कैरी आउट द वेरियस रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो जो कमिटी जिनको जो वर्क दिया हो वो कैरी आउट करते हैं फील्ड में, और इसको डिसेंट्रलाइज मैनर करते हैं। सिटी प्लानिंग, अब इसके अंदर क्या क्या होता है, देखिए सीधी सी बात है, सिटी के अंदर जो आवश्यक काम होते हैं, रोड की है, रोड स्ट्रीट लाइट की होती है, फॉर फ्लाई ओवर की होती है, ब्रिज होते हैं, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, वाटर मैनेजमेंट, सीवेज मैनेजमेंट, सिविल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल फैसिलिटीज, फायर डिपार्टमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, कल्चर, एंटरटेनमेंट, सिटी स्केप डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ मॉर्गेज क्रिमिनेशन, इसके बाद में ग्रेवयार्ड, रिमूवल ऑफ स्लम्स एंड डेवलपमेंट टू कैरी आउट द अर्बन इंस्टीट्यूशन। देखो अर्बन इंस्टीट्यूशन ये वर्क क्या करती है, शहरों के अंदर देखो सबसे बड़ी बात है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, देन आफ्टर रोड्स, फ्लाई ब्रिज है या जनरल ब्रिज बनाना, साफ सफाई का ध्यान रखना, सीवेज लाइन है ना, और भी जो तरह की जितनी लोकल प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, मेक द पॉलिसी टू डेवलप द एरिया, अपने एरिया को डेवलप और साफ सुथरा रखने की बात आती है। अब इसी में एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, उसको म्यूनसिपल कमिश्नर बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के अंदर, और ये कलेक्टेड होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा भी कभी कभी, और इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पे वापस से ध्यान रखना, म्यूनसिपल कमिश्नर है ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, और उनके बीच में भी कॉर्डियल की जरूरत होती है। आज का लास्ट देखिए वापस एक बार ध्यान दे देना, एनी ऑफ बॉडीज, कोई भी बॉडी हो, चाहे यूनियन हो, स्टेट हो और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उन सभी के अंदर आपको ध्यान रखने, उसको समझने के लिए इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट है ना, यहाँ बराबर से अगर इस बार समझने का प्रयत्न करेंगे, जो भी बॉडीज हैं उन बॉडीज के अंदर दो तरह की बॉडीज हैं, एक तो वहाँ की पॉलिटिकल बॉडीज और दूसरी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब मेरे शब्दों में चित्र समझेगा, पॉलिटिकल बॉडीज का मतलब है वहाँ की जो आम जनता है उससे वो इलेक्ट करती है। अगर जैसे एक सिटी को हमने कई वार्ड में बांट दिया, सामान्य सिटी को हम कॉरपोरेटर बोलते हैं, और उन कॉरपोरेटर का है ना, जिस भी पॉलिटिकल बॉडीज होती है वो उसका उसका चेयरमैन बनाता है, चाहे वो प्रेसिडेंट बनाता है, चेयरमैन है ना, ये जो म्यूनसिपलिटी के अंदर चेयरमैन, ठीक है, ये जो आपका चेयरमैन और प्रेसिडेंट जो भी कहो चेयरमैन बनाया जाता है, ये चेयरमैन कौन बनता है, देखो जैसे यूनियन में सिस्टम था ऐसा का ऐसा सिस्टम इन क्षेत्रों में भी है, यहाँ केवल हम 2
2.5 ईयर्स के लिए पहला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कॉरपोरेटर बना, म्यूनसिपल मेयर बनाया जाता है। बाकी तो सब में सिस्टम जो सेंट्रल से पढ़ते हो, जो मेजोरिटी में होगा, जिसकी फिगर्स ज़्यादा होंगे, उस पार्टी को वहाँ पे गवर्नमेंट बनाने के लिए पार्ट दिया जाएगा। ठीक है, स्टेट के अंदर स्टेट होगा और म्यूनसिपलिटी के अंदर चेयरमैन के रूप में होगा और यहाँ आपका मेयर के रूप में। हर भाग में, जैसे मैं आपको बताऊँ, अगर हमने भारत इंडिया के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आपको बता दिया पूरा, वापस एक बार डिवाइड कर रहा हूँ ध्यान से समझने का, कि यहाँ 543 पार्ट्स इंडिया के डिवाइड की। गुजरात के अगर हम लोग स्टेट की बात करें तो यहाँ पर 182 पार्ट्स गुजरात के किए, वो ओनली ये जो वर्कर्स हैं वो, ये जो हैं वो अपने अपने रीजन, बड़े एरिया। अब एक सिटी को भी हमने कई भागों में डिवाइड कर दिया कॉरपोरेटर के रूप में, गांव को वर्ल्ड बनाए, मतलब क्यों बनाए, कि ये डिसेंट्रलाइज किया इस पावर को, हम कुछ डिसेंट्रलाइज किया, क्योंकि छोटी से छोटी प्रॉब्लम से लगा हर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन माध्यमों से किया जाए। इन सभी बॉडी के साथ में एक दूसरी बॉडी जो होती है परमानेंट होती है, और वो होती है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। मोस्टली ये बॉडी तो क्या होती है, 5 ईयर्स के लिए होती है, बदलती रहती है, चलता रहता है, लेकिन वो परमानेंट होती है और उनका ही एक्सपीरियंस ज़्यादा वर्क करता है। ये सजेस्ट करते हैं वहाँ के जो भी पॉलिटिकल बॉडी है, उनको पॉलिटिकल बॉडी बाउंडेड नहीं कर सकते ये लोग, लेकिन सजेस्ट करना उनकी स्किल, उनके जो वर्क हैं, जो डेटा हैं, वो सभी कुछ ये पॉलिटिकल बॉडीज प्रोवाइड, पॉलिटिकल बॉडी को प्रोवाइड करती है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ठीक है, उनके बेस के ऊपर, उनके कोऑर्डिनेशन से ही कोई भी पॉलिसीज को भी प्रिपेयर किया जाता है। हर लेवल पर अलग अलग है ना, हर लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी अलग अलग है, जो आपको पूरा का पूरा चार्ट दिया है, मैंने भी आपको समझाया है, इसे पढ़े। और आज का जो अंतिम पार्ट है यहाँ जुडिशरी, ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आप लोगों ने देखा 3 ऑर्गन्स थे, लेजिस्लेचर, ठीक है, दूसरा जो एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिनके बारे में डिटेल किया, और लास्ट आज हम जुडिशरी के बारे में। तो जुडिशरी क्या है, तो एज वी एवरीवन नो, देखो हमारे यहाँ प्रोवाइड द जस्टिस, न्याय को प्रदान करने के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड द आइडियल दैट ऑल सिटीजन शुड गेट सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। देखो भारत देश क्या चाहता है, हमने क्या आइडियल एक्सपेक्ट किया है, कि सभी को समान रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से न्याय मिले, देयर फॉर ए जस्ट इक्वेबल सोशल ऑर्डर कैन बी स्टैब्लिश। इसलिए हमने एक सोशल ऑर्डर को स्टैब्लिश किया, इफ एनी पर्सन ब्रेक एनी लॉ, अब यदि कोई व्यक्ति कानून को तोड़ता है, देन इज आइदर पनिश और फाइन बाय जुडिशरी, और जुडिशरी के द्वारा उसको फाइन या उसके लिए सजाएं दी जाती है, मतलब पनिश किया जाता। द जुडिशरी चेक वेदर द लॉ इज अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। मान लो गवर्नमेंट भी कभी कभी वर्क करते हैं, तो उसमें जुडिशरी अपना वर्क करती है। इफ द लॉ इज नॉट कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर। हमारे कंट्री के अंदर जो फेडरल सिस्टम है, यूनियन और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, फंक्शन जुडिशियल सिस्टम भी यही करता है। अब जुडिशियल्स के अंदर आप लोग भी देखते हैं, तो हमारे कंट्री का जो जो जुडिशियली सिस्टम्स है, जुडिशियली सिस्टम्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट SC, सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट गए जो हमारा नेशनल लेवल की, नेशनल, इट इज ओनली वन इन दिल्ली के अंदर है, ओके, इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। ये स्टेट्स के बीच में कोई प्रॉब्लम्स हो, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में प्रॉब्लम्स हो, और राइट्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सोल्यूशन, मतलब ये जो नेशन लेवल की कोर्ट है, इससे नीचे हम लोग बोलते हैं HC, HC का मतलब हाई कोर्ट स्टेट लेवल, है ना, देयर इज द लेवल ऑफ द स्टेट लेवल की हाईएस्ट कोर्ट होती है, स्टेट लेवल की ये हाईएस्ट कोर्ट होती है,
और इसके बाद में अगर हम लोग बात करें कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, तालुका कोर्ट, इस तरह पूरा को पूरा यहाँ एक रेंज बना हुआ है। और जैसे हमारा ये फेडरल सिस्टम जिस तरह गवर्नमेंट वर्क करती है उसी तरीके से जुडिशरी भी वर्क करती है। जुडिशरी सिस्टम सीन द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कैरी आउट द ओन वर्क विदाउट इंटरफियरिंग ईच अदर वर्क। लेकिन यहाँ पर किसी तरह का गवर्नमेंट का दबाव नहीं होता है, जुडिशरी अपने आप में स्वतंत्र है, इम्पार्शियलिटी है ना, विदाउट एनी मतलब किसी फोर्स के द्वारा नहीं होती। इस तरह जुडिशरी का जो वर्क है टू प्रोवाइड जस्टिस, तो इस तरह का स्टूडेंट वी हैव टू फिनिश योर चैप्टर नंबर 10 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स ये आपका अभी जो पीरियोडिकल टेस्ट जो है ना, पीरियोडिकल टेस्ट गवर्नमेंट का ये चैप्टर आपका आएगा, इसको प्रिपेयर करें, राइट द क्वेश्चन आंसर या नोट्स लिखें या क्वेश्चन आंसर लिख करके इसे तैयार कर लें। जय श्री स्वामी नारायण।